हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू यूर स्टूडेंट्स टुडे वी सेल स्टडी क्लास टेंथ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर टू नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स ओके लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टूडेंट्स हियर द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एसिड व्हाट इज एसिड लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एसिड के टू डेफिनेशन दो डेफिनेशन जो कि एनसीआरटी सिलेबस में गिवेन है उनको यहां पर डिस्क्राइब करूंगा तो फर्स्ट डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन इज दो सबस्टांसेस विच आर सोअर इन टेस्ट दोस्टांसेस विच आर सावर इन टेस्ट

ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस पेपर स्टूडेंट्स एक होता है जो कि एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करता है उससे हम लोग एसिड और बेस को चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे दो लिटमस पेपर जो है वो एसिड जो है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है तो ऐसे सब्सटेंस जो शोर होते हैं टेस्ट में या फिर सावर होते हैं टेस्ट में एंड टम्स ब्लू लिटमस रेड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं आर कॉल्ड एसिड्स यहाँ पर मैं एक सेकेंड डेफिनीसन भी आप लोगों को बताऊंगा सेकंड सब सेकेंड डेफिनीशन है दो सफ्टांस विच गिव फ्री एच प्लस आंस दो विच गिव फ्री एच प्लस आयंस फ्री एच प्लस आयस इन एक्व सल्यूशन एक्व सोल्यूशन आर कार्ड एसिड्स, आर कार्ड एसिड्स तो स्टूडेंट सेकंड डेफिनेशन का मतलब क्या है ऐसे सब्सटेंस जो एक्वे सोल्यूशन मींस अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो फ्री एच प्लस आंस देते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स यहां पे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बताता हूँ एन सोडियम क्लोराइड आयन जो है वो सोडियम आयन एन ए प्लस आन और क्लोराइड आयन सी एल माइनस आन से फॉर्म होता है इसी तरीके से स्टूडेंट्स हाइड्रोजन क्लोराइड एस सी एल एस सी एल जो है वो एच प्लस आन से और क्लोराइड माइनस आयन से फॉर्म होता है तो स्टूडेंट्स ऐसे सबस्टानस जो वाटर में डिजॉल्व करने पर जब आंस में डिसोसिएट हो तो उनमें एच प्लस आन प्रजेंट होना चाहिए ऐसे सबस्टानस को बोलते हैं हम लोग एसिड्स फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एस टू यहाँ इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सल्फ सल्फेट आयन और एस प्लस आयन बनता है इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग राइट कर सकते हैं एच नाइट्रिक एसिड सी थ्री सी इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड ये वीक एसिड है तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे एसिड्स के डेफिनीशंस और एग्जाम्पल्स अब आते हैं कुछ नेचुरल एसिड्स जो आप लोग अक्सर करके फूड वगैरह में लेते हैं उसके बारे में बताता हूँ सम नेचुरल एसिड्स नेचुरल एसिड्स तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेचुरल सब्सटेंसेस में जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स विनाइगर विनाइगर अक्सर फूड प्रिजर्वेटिव या फिर पिकल्स प्रिजर्वेटिव पीकस जो होते हैं उसमें इसको रखा जाता है प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में या फिर कुछ टेस्ट के लिए चाउमिन वगैरह भी में भी मिक्स किया जाता है तो विनाइगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑरेंज लेमन फ्रूट्स हैं इनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है टैमराइंड ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में थोड़ी मात्रा में सिट्रिक एसिड वगैरह भी प्रेजेंट होता है टोमेटो इसमें ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड या फिर शौर मिल्क सावर मिल्क जो होता है या फिर कर्ड इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है एंट एंड बी स्टिंग स्टूडेंट्स एंट या फिर बी स्टिंग मधुमक्खियाँ जब हम लोगों को डंक मारती हैं तो वहाँ पर पे पेन फील होता है वो फील होता है एसिड की वजह से उनका जो स्टिंग होता है डंक होता है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है और वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं और उसकी वजह से हम लोगों को पेन फील होता है तो वो जो एसिड होता है जो बी स्टिंग या फिर एंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है वो होता है मेथनोइक एसिड या फिर नेटल लीफ स्टिंग में भी ये एसिड प्रेजेंट होता है तो ये है स्टूडेंट्स कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेस अब बेस क्या होता है तो स्टूडेंट्स दो सबस्टांसिस विच आर बिटर इन टेस्ट ऐसे सब्सटांस जो टेस्ट में बिटर कड़वे होते हैं एंड इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं आर कार्ड बेसेस या फिर इसका सेकेंड डेफिशन हम लोग राइड कर सकते हैं दो सब्सटांसेस विच गिव ओ एच माइनस आयन एक्व सल्यूशन आर कार्ड बेसेस ऐसे सब्सटांस जिनको वाटर डिजॉल्व करने पर ओ एच माइनस आयन वो सल्यूशन में देते हैं तो ऐसे सब्सटांस को हम लोग बोलते हैं बेसिस फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल में हम लोग राइड कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एच का ट्वाइस ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये स्टूडेंट्स ये स्लैक्ड लाइम है जिससे दीवार की पुताई की जाती है चूने से ये चूने का फॉर्मूला है स्लैक्ड लाइम पानी में घोलने पर एक होता है क्विक लाइम जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड ये भी बेस है क्विक लाइम तो ये क्या होता है इसको पहले हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तब जा करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में राइट कर सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड है एन एच फोर ओ एच तो स्टूडेंट्स इन सारे को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ए एच आई फॉर्म होते हैं और ये जो है ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं बेसिस तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप लोग एसिड और बेस डेफिनेशन क्लियरली समझ गए होंगे इसके बेसिस पर आप लोग एसिड और बेस का डिफरेंस भी राइट कर सकते हैं तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है थर्ड टॉपिक वो है एसिड बेस इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर तो स्टूडेंट्स एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं तो स्टूडेंट्स दो सबस्टांसेस विच सो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स स्टूडेंट्स ऐसे सब्सटेंस जिसका हम लोग यूज करते हैं एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने में कौन सा सब्सटेंस एसिड है कौन सा सब्सटेंस बेस है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जिन सब्सटेंसेस का यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर इसका हम लोग डेफिनेशन राइट कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से एसिड बेस इंडिकेटर का हम लोग डेफिनेशन राइट कर सकते हैं दो सब्सटांस विच सो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया आर कार्ड एसडिक एसिड बेस इंडिकेटर यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जांपल में हम लोग समझ लेते हैं एग्जांपल में मैं नेचुरल बेस एसिड बेस इंडिकेटर और सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर दोनों के बारे में बता दूंगा फर्स्ट नेचुरल जो नेचर में पाए जाते हैं एसिड बेस इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में पाए जाते हैं उनसे भी हम लोग एसिड बेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर स्टूडेंट्स यहाँ पे दो नेचुरल एग्जाम्पल के राइड करता हूं मैं। फर्स्ट है टर्मरिक टर्मरिक यस yes, स्टूडेंट्स टर्मरिक ये टर्मरिक जो है जिसको हम लोग हल्दी के नाम से भी जानते हैं टर्मरिक ये एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में कौन सा कलर शो करता है इसको मैं राइट कर देता हूँ टर्मरिक एसिडिक मीडियम में कलर शो करता है येलो वैसे टर्मरिक का नॉर्मल कलर भी येलो है लेकिन स्टूडेंट्स बेसिक मीडियम में जो टर्मरिक है वो रेड कलर हो जाता है तो अगर टर्मरिक को मिक्स करें किसी सब्सटांस के थोड़े से अमाउंट में अगर वो रेड हो जाता है टर्मरिक तो वो बेस है अगर येलो रहता है तो वो एसिड है सेकेंड है लिटमस सल्यूशन यस स्टूडेंट्स लिटमस जो है लेटमस सल्यूशन ये एक लाइकन नाम के प्लांट से जो कि नेचुरल प्लांट है लाइकन नाम के प्लांट से जूस इसका तैयार किया जाता है तो उसी को बोलते हैं लिटमस सल्यूशन और ये अभी आप लोगों को मैंने बताया एसिड में ये रेड कलर शो करता है और बेस में ये शो करता है सॉरी बेस में ये शो करता है ब्लू कलर तो स्टूडेंट्स ये हैं नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर इसके अलावा मैं दो एग्जांपल्स देता हूं सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर का सिंथेटिक इंडिकेटर्स तो सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स तो स्टूडेंट्स यहां पे टू एग्जांपल्स फर्स्ट एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज और सेकंड एग्जाम्पल है फेनापथलिन तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैथिल ऑरेंज या फिर मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है एसिडिक मीडियम में वो होता है रेड यानी कि मैथिल ऑरेंज जो एसिड में अगर मिक्स करें तो रेड कलर सो करता है वहीं अगर बेस में इसकी बात करें तो ये सो करता है येलो कलर येलो कलर उसी तरीके से स्टूडेंट्स फेनापथलीन जो एसिड बेस इंडिकेटर है ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है कलरलेस होता है एंड स्टूडेंट्स अगर बेस में इसका कलर की बात करें तो ये शो करता है पिंक तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे थैंक यू डे जय हिंद जय भारत